आउट का मैच। क्या होगा असीम का अगला स्टेप? किसकी लगी लॉटरी? वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्रास स्टूडियोज। मैं हूं आपकी दोस्त अमृता और आज आपके लिए लेके आई हूं गजनी 2 से जुड़े काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो आपने शायद ही सुना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं बातों का सिलसिला। बॉलीवुड ने अपनी ऑडियंस को बहुत सारी हिट मूवीज से नवाजा है और इस बार भी वो कुछ बैक टू बैक हिट मूवीज के सीक्वल्स के साथ आ रही है, जिसमें से एक है गजनी 2। जैसा कि आप सबको पता है कि इस फिल्म में हमें पहले की तरह ही लीड रोल में नजर आएंगे आमिर खान, तो उनके इस बात से अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस बार भी वो रोल में पुराने ही कलाकार को देखेंगे। लेकिन इस बार मेकर्स ने उन्हें लाल झंडी दिखाते हुए इस अजम्पशन को सिरे से नकारते हुए कहा कि हमने पहले भी ये डिसाइड किया था कि इस बार भी गजनी के स्टार कास्ट में कोई चेंजेस नहीं करेंगे, बट चेंजेस दुनियादी का आधार है और इसी सोच को लेके हमने ये फैसला किया है कि इस बार के स्टार कास्ट में काफी वेरिएशन और चेंजेस देखने को मिलेंगे। इसके पहले सीक्वल में हमने विलेन के रोल में हमने प्रदीप रावत को देखा था, जो कि साउथ मूवीज का फेमस नेगेटिव रोल एक्टर है, लेकिन इस बार मेकर्स ने उनकी छुट्टी कर दी है और उनकी जगह चांस दिया है 90s के फेमस और सीरियल अदालत के लीड रोल एक्टर को। आप तो समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि ये सीरियल उस टाइम के हर घर में हर फैमिली मेंबर्स के फेवरेट शोज में से एक हुआ करता था। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, हम बात कर रहे हैं रोनित रॉय की। अब वो इस विलेन के किरदार को कैसे निभाएंगे ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि ऐसा पहली बार है कि वो नेगेटिव रोल में निभा रहे हैं। जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मेकर्स इस फिल्म में यंग टैलेंट को कास्ट करना चाहते थे, जिसकी वजह से उन्होंने असीम को कंफर्म करके भी रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन अब मेकर्स का मूड फिर से चेंज हो गया है, वो इस फिल्म में एक बार फिर से असीम को कास्ट करने का सोच रहे हैं। जब ये बात लेकर मेकर्स असीम के घर गए तो असीम भला कैसे चुप रहती, उन्होंने बोल ही दिया, आपको यंग टैलेंट में कोई मिला नहीं क्या? मेकर्स को ये बात तो समझ आ गई कि असीम उनसे बहुत मेहनत कराने वाली है अपने आप को फिर से इस फिल्म में कास्ट कराने के लिए। अब ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि किस तरह मेकर्स अपनी हीरोइन को मना कर वापस गजनी 2 में कास्ट करने के लिए मनाते हैं। जैसा कि हम सब ने इसके पहले सीक्वल में देखा था कि आमिर एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के रूप में है, जिसका खुद का एक प्राइवेट जेट तक होता है और उसके पास इतने पैसे होते हैं कि वो मिनटों में अपना सारा काम करा सकता है। लेकिन इस सीक्वल में वो बहुत ही गरीब घर से रहते हैं और वो अपनी जरूरतें भी पूरी नहीं कर पाते, इतने गरीब होते हैं कि उनकी सैलरी काफी कम होती है और अपनी किस्मत आजमाने के लिए वो लॉटरी खेलने चले जाते हैं और किस्मत से उनकी लॉटरी लग जाती है और वो सपने देखने लगते हैं। लेकिन इसी लॉटरी की वजह से उनका बहुत बड़ा डॉन उनका दुश्मन बन जाता है। आपको क्या लगता है, क्या ये लॉटरी बनेगी जान की आफत? अपने व्यूज हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। हम फिर मिलेंगे ऐसे ही मजेदार वीडियोस के साथ यही इसी चैनल पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।